दादी, वीडियो बनाने से कितने रुपए महीने आते हैं? 20,000। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो सबसे पहले ये खास वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो भी ब्लॉग्स बनाने वाले हैं, वो इस चैनल पर फर्स्ट ब्लॉग रहेगा। एक तरह से दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और इस ब्लॉग को प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ब्लॉग को पहुंचा पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफी सारी बातें करेंगे। हमारे आज की इस वीडियो में गेस्ट है हमारी दादी, देख रहे हैं, दादी हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनके साथ हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मिड में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा, जैसे कि आपके चैनल की ग्रोथ के लिए, वीडियोस के वायरल के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें जो कि आपको अपने चैनल पर करना चाहिए। उन चीजों के माध्यम से डेफिनेटली आप अपने चैनल पर नई ग्रोथ और नई एक तरह से वायरल की जो संभावना है उसको आप अपने चैनल पर बिल्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दादी, हमारे ऑडियंस को हाय बोल दीजिए एक बार। हाय हाय। तो दादी हाय बोल रही हैं, तो चलिए दादी से और पूछते हैं। दादी, हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए एक बार हाय। हाय। और बोल दीजिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए, तो हमारी दादी बोल रही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ऑडियंस हमारी दादी की बात मान लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दादी, अपने बारे में बताइए, आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है दादी? 80 साल लगती। तो देखिए, हमारी दादी अभी 80 साल की हो चुकी हैं। दादी, ये बताओ, वीडियो बनाने से पैसे आते हैं कि नहीं आते? दादी के द्वारा सुन लीजिए आप, बताओ आते हैं पैसे वीडियो बनाने से कि नहीं आते? आते हैं। हमारी दादी बता रही है कि वीडियो बनाने से पैसे आते हैं। तो दादी, वीडियो बनाने से कितने रुपए महीने आते हैं? 20,000। देखो, हमारी दादी बता रही है। दोस्तों, हमारी अर्निंग दादी को भी पता है। तो एक तरह से आपके यदि फैमिली मेंबर्स सपोर्ट नहीं करते यूट्यूब पर काम करने के लिए, दोस्तों आपकी फैमिली मेंबर्स को हमारी दादी से इंस्पायर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी बोल रही है हमारी दादी, हमारी जो अर्निंग वो 20,000 रुपये मंथली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 20,000 रुपीज मेरी जो अर्निंग है वो यूट्यूब के जो एडसेंस है उसके थ्रू, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल अलग है। तो दादी, ये बताओ कि जो ऑडियंस है उनसे एक बार आप हाय फिर से बोल दो। आपकी हाय काफ़ी अच्छी लगती है हमारे ऑडियंस को, एक बार और बोल दो हाय। हाय। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं, दादी तो हमारे साथ में रहेंगी भी, सबसे पहले बात करते हैं आज की निश के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर दो प्रकार की जो चीजें वो सबसे ज्यादा चल रही है। तो दोस्तों, पहली जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट्स। यदि आप शॉर्ट्स पर वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो वीडियोज है वो वायरल होने की काफी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब प्रेजेंट टाइम में शॉर्ट वीडियोज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, काफी ज्यादा रिकमेंड कर रहा है। स्टार्टिंग में यूनिक संतोष प्लेटफॉर्म पर काफी सारे शॉर्ट वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिससे मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, यदि आप अपने चैनल पर 1 मिनट से कम की वीडियोस बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल बूस्ट करेगा और आपके चैनल पर काफी सारे वीडियोस भी वायरल होंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अपने चैनल पर अभी तक शॉर्ट्स का ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लीजिए। दोस्तों, दूसरी मैं कैटेगरी बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो वायरल हो रही है, तो दोस्तों वो है ब्लॉग्स। यदि आप अपने चैनल पर अभी तक ब्लॉग को आपने ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करिए। मैं खुद अपने चैनल पर अपने चैनल इस टिकटॉकिंग को इंक्रीज करने के लिए आज से रेगुलर ब्लॉग बनाऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको ब्लॉग के साथ में आपको यूट्यूब की भी टिप्स दे रहा हूं, तो वैसे ही आप भी अपने चैनल पर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। यदि आपका चैनल केवल ब्लॉगिंग का बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग का बना लीजिए। टेक से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ब्लॉगिंग टाइप की वीडियोस बनाइए, उसमें टेक की इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब है वो ब्लॉगिंग टाइप के जो चैनल है उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप सौरभ जोशी, मनोज दे ब्लॉग्स और आदित्य ब्लॉग्स जैसे कई नए और पुराने क्रिएटर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, काफी कम टाइम में काफी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी आने वाले समय में यदि यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हैं, 2022 में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको भी एक बार ब्लॉग जैसे जो नए वीडियोस पर आपको ट्राई करना चाहिए। मेरी सजेशन यही रहेगी, 20 से लेकर 30 ब्लॉग्स आप अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए, फिर ट्राई करके देखिए। जबकि मैं अपने दादी के साथ, वैसे ही आप क्यों भी दूसरे माध्यम को ले सकते हैं और ब्लॉग पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं। आप चाहो तो ट्रेवलिंग ब्लॉग बना सकते हैं, आप चाहो तो टेक ब्लॉग बना सकते हैं, आप चाहो तो जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस प्रकार की भी आप नॉलेज को डिलीवर करते हो, उस प्रकार की नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम मिल लेते हैं दादी से, और दादी से कुछ पूछते हैं आपके बारे में। तो दादी, एक बार फिर से बोल दीजिए हाय। हाय। चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को
करो। तो देखिए हमारी दादी काफी बूढ़ी है, अभी 80 साल की उम्र हो रही है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो के अंदर यदि नॉलेज को पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।